हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मलाई रोल बनाएंगे, वो भी घर में अवेलेबल सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है और हमें खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। इसमें मैं 1/4 कप दूध ऐड करूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद ही हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं। और आप चाहें तो मावा मार्केट से भी ला सकते हैं, पर क्योंकि हम घर पे अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं तो इसलिए हम घर पे ही मावा भी तैयार करेंगे। और अब जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तब हम इसमें घी और शुगर ऐड करेंगे। और फिर लास्ट में हम इसमें इलायची पाउडर और बादाम का जो पाउडर है वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो और भी दूसरे ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ 6 पीस मलाई रोल बना रही हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मावा की स्टफिंग की क्वांटिटी रखी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस हमें इसी कंसिस्टेंसी तक इसे पकाना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और हार्ड होता है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम केसर दूध बनाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पैन में दूध लिया है और उसे गाढ़ा करने के लिए हम यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। क्योंकि हम ये रेसिपी क्विक बना रहे हैं इसलिए मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो सिर्फ आप दूध को उबाल के भी उसको गाढ़ा कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है हमें, ताकि नीचे से लगे नहीं है। अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करेंगे। क्योंकि मावा की स्टफिंग मीठी थी तो इसमें हम शुगर कम ही ऐड करेंगे। बस हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें बिल्कुल रबड़ी की तरह इसे थिक नहीं करना है। और अब इसमें हम केसर ऐड करेंगे। बस ये बिल्कुल बनके रेडी है। और अब गैस का फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसमें केवड़ा वाटर डाला है। आप चाहे तो गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें इसे इतना ही पतला रखना है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। अब मलाई रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड ली है। इसकी कॉर्नर्स काट के हम अलग कर देंगे। ये कॉर्नर्स आप दोबारा ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इन ब्रेड को हम बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। अब हम इसे असेंबल करेंगे। देखिए, ये मावा की कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक हो गई है, जैसे हमें चाहिए। आप चाहें तो इस टाइम पर इसमें और ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम सारे मावा और इसमें स्टफ करके इसे जमाएंगे। अब हमने हमारा जो केसर दूध रेडी किया था वो ठंडा हो गया है, उसे हम इसके ऊपर पोर करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ केसर के धागे गर्म दूध में भिगो के रखे थे, हम इसे भी इसके ऊपर गार्निश के लिए लगाएंगे। और फिर उसके बाद में हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर और कुछ बादाम या फिर अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट इस पर गार्निश करेंगे। अब हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे लगभग 1 घंटे के लिए। और आप चाहें तो सिल्वर वर्क से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। और आपको मेरी ये क्विक रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, बाय बाय।